Welcome back to my YouTube channel. So today's video, it's an another part for the series how I take my Instagram pictures at home by myself. So as you can see, I'm wearing this beautiful ethnic wear. So that means कि जो आज का photo shoot है वो एक traditional photo shoot है जहाँ पे मैं आपके साथ share करूँगी some pictures idea in kurta and jeans. So if you're interested to know some pictures idea in kurta and jeans and also without tripod, then please keep on watching. And before I start this video, I would really appreciate if you can subscribe to my channel and like this video. And also after watching this video, please comment down below the picture idea you like the most. And yeah, let's get started. So for this picture, मैं इस चेयर का यूज कर रही हूँ एंड मैं अपना मोबाइल फोन यहाँ पे इधर रखूंगी एंड इसको स्टेप से टिल्ट करके रखूंगी ताकि जो बैकग्राउंड है वो पूरा स्काई आए. सो टू गेट माई परफेक्ट शॉट, यहाँ पे मैं बैठ के हेयर फ्लिपिंग वाले पोजेस दूंगी. सो यहाँ पे आप दो टाइप के हेयर फ्लिप कर सकते हो. सो पहले हेयर फ्लिप पोज के लिए आपको कुछ इस टाइप से बैठना है एंड आपके हैंड के थ्रू आपके बालों को फ्लिप करना है एंड दैट्स इट, यू विल गेट योर परफेक्ट शॉट. एंड सेकेंड हेयर फ्लिप पोज के लिए आपको कुछ स्टेप से बैठना है एंड आपके सर के थ्रू आपके बालों को फ्लिप करना है एंड या दैट्स इट, यू विल गेट योर परफेक्ट शॉट. नाउ टू परफेक्टली कैप्चर दैट हेयर फ्लिपिंग मोमेंट, आपको वो मोमेंट तब करना है जब आपकी स्क्रीन पे 1 सेकेंड दिखे एंड तभी आप वो हेयर फ्लिपिंग वाला मोमेंट कैप्चर कर सकते हो. सो मेक श्योर कि आप अपने बालों को तब फ्लिप करो जब आपकी स्क्रीन पे लाइक टाइमर पे 1 सेकेंड दिखे. नाउ इस पिक्चर के लिए मैं अपने हाथों का यूज़ करूँगी, दैट मीन्स कि हम इस पिक्चर में सेल्फी लेने वाले हैं. सो बेसिकली आपको अपने मोबाइल फ़ोन को इस स्टेप से आपके हाथ पे पकड़ना है एंड आपको आपके मोबाइल को ऊपर ले जाना है ताकि आपका इस टाइप का एंगल बन जाए. एंड जब आपका परफेक्ट एंगल बन जाए दैन यू हैव टू गिव दिस हैप्पी फेसेस वाले पोजेस, बिकॉज इस एंगल पे वाले पोजेस ज़्यादा अच्छे लगेंगे. सो मैं भी यहाँ पे यही कर रही हूँ, आप भी यही कर सकते हो टू गेट योर परफेक्ट शॉट. नाउ इस पिक्चर पे स्पेशली मैंने एक स्पेशल एडिटिंग ट्राई की है एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज. सो हम एक छोटा एडिटिंग ब्रेक लेंगे, बट इन केस इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड दैन आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो एंड डायरेक्टली नेक्स्ट पिक्चर आइडिया पे जा सकते हो. पिक्चर को मैंने पहले लाइट रूम ऐप में एडिट किया है एंड लाइट रूम ऐप में फर्स्ट ऑप्शन है लाइट, जिसमें से हमें एक्सपोजर की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज करनी है. एंड जो सेकेंड ऑप्शन है कंट्रास्ट, एंड इसकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है. नाउ जो डिक्रीज एंड इंक्रीज का अमाउंट है वो आपकी पिक्चर पर डिपेंड करता है. नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट, उसका भी अमाउंट हम इंक्रीज करेंगे. एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है शेडो, उसका अमाउंट हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर पिक्चर. एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैक, उसका अमाउंट हमें इस पिक्चर पे डिक्रीज करना है, तभी हमें उस टाइप का इफेक्ट मिलेगा हमारी पिक्चर पे. नाउ जो सेकेंड ऑप्शन है कलर, उसमें पहले हम सैचुरेशन का अमाउंट डिक्रीज करेंगे क्योंकि वही मेन पार्ट है हमारे इस फिल्टर का, एंड बाकी जो फिल्टर हैं वो डिपेंड करेंगे सैचुरेशन के अमाउंट पे. सो सैचुरेशन का अमाउंट डिक्रीज करने के बाद हम जो टैम्प एंड टिंट का है उसका अमाउंट इंक्रीज करेंगे. नाउ इसका भी अमाउंट डिपेंड करता है आपकी पिक्चर का कि आपको कितना पिंक एंड येलो टोन चाहिए आपकी पिक्चर पे. एंड जो वाइब्रेंस ऑप्शन है उसका अमाउंट भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे. नाउ सारे फिल्टर का अमाउंट इंक्रीज एंड डिक्रीज करके मैं अगेन सैचुरेशन का जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी. अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पिक्चर कि आपको कितना इंक्रीज करना है. नाउ जो नेक्स्ट ऑप्शन है इफेक्ट, उसमें हम टेक्सचर एंड क्लैरिटी हमारे पिक्चर की बढ़ाएंगे, अगेन डिपेंड्स ऑन योर पिक्चर. एंड जो लास्ट टच है हमारी पिक्चर का वो है डिहेज का. सो डिहेज का अमाउंट हम इंक्रीज करेंगे, अगेन द अमाउंट डिपेंड्स ऑन योर पिक्चर. एंड या दिस इज़ द फाइनल इफेक्ट आफ्टर एडिटिंग. एंड ऑल्सो ये वाला जो इफेक्ट है जो मैंने अपनी पिक्चर पे यूज़ करा है वो ऑलरेडी मेरे मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है, बट लाइट रूम के थ्रू आप सिमिलर टाइप का इफेक्ट खुद से भी क्रिएट कर सकते हो.
एंड इन केस इफ यू वांट मोर एडिटिंग वीडियोस देन मैं ऊपर लिंक शेयर कर दूंगी जिसपे क्लिक करके आप डायरेक्टली वो वाले वीडियोस चेक कर सकते हो. So for this picture, this is the setup. I'm using this chair and the stairs to get the perfect shot. So जो chair है उसकी help से मैं अपने mobile phone को टिकाऊंगी. So मैं यहाँ पे mobile phone को इस तरह से रखूंगी and थोड़ा सा you know tilt करके रखूंगी ताकि जो background है वो sky आए. एंड जो चेयर है उसकी हेल्प से मैं पोजेस दूंगी. एंड यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी पिक्चर है उस पर स्टेयर्स ना आए. यहाँ पे हम स्टेयर्स का सिर्फ और सिर्फ यू नो अच्छे से लटकने के लिए यूज कर रहे हैं. सो टू गेट माई परफेक्ट शॉट मैं स्टेयर्स पे चढ़ गई हूँ एंड मैं स्टेयर की हेल्प से इस टाइप से लटक जाऊंगी एंड आई विल जस्ट गिव माई बेस्ट पोज टू गेट माई परफेक्ट शॉट. एंड यहाँ पे यू नो आप डिफरेंट टाइप के पोजेस ट्राई कर सकते हो या तो फिर आप डायरेक्टली कैमरे पे देख सकते हो या तो आप साइड पे देख के पोजेस दे सकते हो. एंड आई फील जो साइड वाला पोज है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस पिक्चर पे. सो आप भी वही ट्राई कर सकते हो. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप अपने कुर्ते को इसी टाइप से रखिए जैसे मैंने रखा है ताकि आपकी जीन्स दिखे, बिकॉज जीन्स का पिक्चर पे दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जीन्स के थ्रू आपकी पिक्चर और ज़्यादा अच्छी आएगी एंड और ज़्यादा अच्छी लगेगी. फॉर दिस पिक्चर मैंने अपने मोबाइल फोन को इस टाइप से नॉर्मली टिकाया हुआ है जैसे हम ज्यादातर टिकाते हैं. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड सम प्लेस लाइक दिस जहाँ पे आप अपने मोबाइल को इस टाइप से रख सकते हो. नाउ इस पिक्चर का जो सेटअप है बहुत ज्यादा सिंपल है, बट हम इस पिक्चर को क्रिएटिव बना सकते हैं बाय यूजिंग द दुपट्टा. एंड मैं वही कर रही हूँ एंड मैं इस पिक्चर पे दुपट्टे का यूज़ कर रही हूँ टू गेट माय परफेक्ट शॉट. सो यहाँ पे मैं दुपट्टे की हेल्प से इस टाइप का सी बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड उसके थ्रू मैं अपनी एक आई को यू नो छुपा रही हूँ. एंड या दैट्स इट, जस्ट गिव योर बेस्ट पोज एंड एक्सप्रेशन टू गेट योर परफेक्ट शॉट. एंड बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत स्काई भी आ जाए आपके पिक्चर में तो क्या ही बात है, लाइक आपकी पिक्चर और ज़्यादा अच्छी लगेगी. एंड या आई रियली लाइक दिस पिक्चर बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है. वीडियो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो एंड इंटरेस्टिंग भी लगी हो. इन केस इफ इट डिड देन हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो कमेंट डाउन बिलो द पिक्चर आइडिया यू लाइक द मोस्ट. एंड या थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.